दिल्ली पुलिस को सौंपा गया बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा। बग्गा को कुरुक्षेत्र से दिल्ली पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है। तेजिंदर बग्गा को दिल्ली लाया जा रहा है, यह बड़ी जानकारी। बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और अब जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, कुरुक्षेत्र में पुलिस ने रोका था पंजाब पुलिस का काफिला, तेजिंदर बग्गा को अब दिल्ली लाया जा रहा है। बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पहले बग्गा की गिरफ्तारी होती है और अब दिल्ली वापसी होती है, यह बड़ा मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। 9 घंटे तक बग्गा की गिरफ्तारी पर जो सियासी ड्रामा चल रहा था वो अब भी जारी है और अब तेजिंदर बग्गा को दिल्ली वापस लाया जा रहा है। बग्गा को लेकर कुरुक्षेत्र से पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर कुरुक्षेत्र से अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी हंगामा जो है वो यहां पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये जो हंगामा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर कुरुक्षेत्र से दिल्ली की ओर रवाना हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बग्गा को लेकर जिस तरीके से राजनीति जो बिल्कुल गर्माती नजर आ रही है, यहाँ तक कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस को कंप्लेंट दी गई थी और जिस आधार पर पंजाब पुलिस ने दिल्ली के अंदर आकर उसको अरेस्ट किया और उसके घर से, और जिस तरीके से उसको घर से लेके गए सुबह 8 बजे करीब और जिस तरीके से पंजाब ले जाने की कोशिश की जा रही थी। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र पुलिस ने ही उनको रास्ते में रोक लिया था, मगर अब कुरुक्षेत्र पुलिस जो है वो दिल्ली के लिए वापस बग्गा को लेकर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के हवाले किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास एक शिकायत दी गई है कि पंजाब पुलिस ने उनको बिगर बताए यहाँ से बग्गा को गिरफ्तार किया है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। मगर अब दिल्ली पुलिस के द्वारा पंजाब पुलिस के ऊपर भी एक शिकायत दर्ज की गई है, वो है किडनैपिंग का, क्या किडनैपिंग करने की गई है बग्गा की। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बग्गा को दिल्ली लाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं सियासी जो माहौल है वो गर्माता हुआ जा रहा है, और बग्गा को जब दिल्ली पुलिस लेके आएगी और दिल्ली पुलिस के हवाले किया जाएगा तो लगातार क्या पूछताछ हुई है उसके 9 घंटे के अंदर ये सारी जानकारी बताई जाएगी, और लगातार पंजाब पुलिस किस तरीके आज यहाँ पर आई थी दिल्ली के अंदर और लगातार क्या सवाल पूछे गए हैं बग्गा से, ये सारी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस अब बताती हुई नजर आएगी। जी ठीक है, धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो तेजिंदर बग्गा को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंपा, पंजाब पुलिस खाली हाथ रह गई। हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जीओटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।